हाय एवरीवन, फिर एक न्यू वीडियो के साथ में अमर। आज मैं आपको दोनों टॉपिक से बात करूंगी जो अंदर में आपको मिल जाएगा, और मेरा सारे के वीडियो अभी हिंदी से होगा। अगर आपको हिंदी मालूम नहीं है, उड़ीसा का लोग कुछ ना कुछ समझ में नहीं आ रही है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भाई उससे उड़िया से बोलो, मैं आपको कह दूंगी। क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है हिंदी में कहने के लिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है वो बाहर के स्टेट पर है, जो बाहर की कंट्री पर रहते हैं, जो भी उनमें मुझे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मेरा बातों को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, उनको उड़िया से इतना मालूम नहीं है। मगर हमारा जो उड़ीसा का लोग हो वो हिंदी को समझ जाती है, मगर वहाँ जो लोग वो समझ नहीं पा रही है, इसलिए मैं हिंदी से बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी तकलीफ मेरे लिए हो रही है, तो अगर मेरा कोई गलती हुआ है तो मुझे माफ़ कर देना, फिर कुछ दिन के बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा। अगर आज मैं दोनों वीडियो पर लेके आया हूँ, जो टॉपिक दो टॉपिक हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। जानते हो जो लोग दिन रात काम करते हैं वो बिजी रहते हुए काम में, उनके पास न्यूज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए बहुत जो गवर्नमेंट का योजना और जो निकलता है वहाँ पर का गवर्नमेंट से कि स्टेट गवर्नमेंट से वो निकल जाता है, क्योंकि डेट चला जाता है, उनको मालूम नहीं होता है किसी तरह काम करना है, किसी तरह एक्शन लेना है। और बहुत सीएससी भी भाई है, एक एक चीज़ को पकड़ कर रखा है, वही को कर रही है, मगर नया स्कीम उनके पास नहीं जा रही है। तो इसलिए मैं इसको वीडियो में बना रहा हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके पास मिल जाएगा। और आज दोनों का टॉपिक आपसे बताऊँगी किसी तरह आपने इसके क्लियर करवाओ, क्योंकि अगर क्लियर नहीं करोगे तो फसल बीमा का जो रकम जो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि एचडी आप जानते हो कुछ रिजेक्ट होने से वो पैसा नहीं देगा। इसलिए वो आपका जो पोर्टल में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ किसी तरह वो आपको उन्हें ठीक करवाना है। और जो लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो पब्लिक ने, वो जरा जो जिस जगह में फसल बीमा किया था वो जो चेकआउट कर लेगा, उनका फॉर्म सही सलामत आगे प्रोसीड हो रही ना, अप्रूव हो रही ना नहीं, क्योंकि अप्रूव जब अगर नहीं हुआ तो रिपोर्ट में चला जाएगा। रिपोर्ट अर्थ यही है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई डॉक्यूमेंट ठीक से विजिबल नहीं है, तो इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट ऑलरेडी जा चुका है, तो आपका फसल का बीमा जो नहीं मिलेगा। तो आप जरा चेकआउट कर लो, क्योंकि जानते हो बहुत सारा अभी जो फसल बीमा का जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था जो साइक्लोन के बाद, वो तो ऑलरेडी जाँच हो चुका है, कितने कितने अमाउंट जो कौन कौन एरिया को कितना मिला है वो भी अप्रूव ऑलरेडी करके गया है। तो आई होप आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देख लो, समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अगर अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार दोबारा विजिट कर लो, आपका फॉर्म है कि आपके जिसके पास किया था आपने फसल बीमा, कि हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हुआ, तो अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो ठीक बात है, अगर रिजेक्ट हुआ तो जो सीएससी भाई हो उनको बताओ कि अगर हमारे पास रिजेक्ट हो गया कि जो भी हो रिपोर्ट हो गया वो ठीक कर देंगे। और ठीक करने के लिए मैं VLE भाई और CSE वाले को इतनी रिक्वेस्ट करूँगी, और अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो जरा देख लो मैं किसी तरह मैं करता हूँ, तो आप भी उसको ठीक कर लो। और एक भी जानते हो, अभी IRCTC का जो अभी नया चल रहा है, जानते 1000 था पहले रजिस्ट्रेशन, अब हो गया 100 रुपीज़, जो आप 100 में IRCTC का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हो। आप जानते हो पहले 1000 था, वो अच्छी बात है, जो उनको मैं नहीं मालूम है किसी तरह IRCTC एजेंट एक्टिवेट कर लो, तो वीडियो भी बहुत सारा वीडियो है, आप जरा चेकआउट कर लो। तो आगे चलते हैं किसी तरह आपका जो फसल बीमा का जो क्लियर रिपोर्ट और जो आपका रिजेक्ट हुआ किसी तरह क्लियर करते हैं। चलो देखिए, मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, अब लिखूँगा मैं फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या मैं डिस्प्ले पर, हाँ देखिए अभी CSE कनेक्ट कर रहा हूँ, किसी तरह आपको ठीक करना है। देखिए एप्लीकेशन ये लिखा हुआ है, यह हमने आपका जिस में राज्य पे है वो सिलेक्ट कर देंगे, मैंने ये उड़ीसा है, मैं उड़ीसा मार, और देखिए 2021 खरीफ, एक मिनट नोटिफिकेशन आ रही है मेरे ईमेल पर, इसलिए तकलीफ हो रही है। 2020 में देखिए लिखा है प्रधानमंत्री। और एक यह मैं एक बात करूं, अगर किसी का 2020 में खरीफ में अगर अभी तक उनका पेमेंट नहीं मिला है, क्लेम अमाउंट नहीं मिला है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मैं उनका पेमेंट करवा दूंगी, अगर उनका कोई रुका हुआ है। अगर पेमेंट आ चुका है 2020 में, मैं बता रहा हूँ खरीफ का और रबी का, खरीफ और रबी दोनों दो जो 2020 में किया था, अगर नहीं पैसा अभी तक मिला है किसी कोई CSE वाली भाइयों को,
सीएससी में जो रजिस्ट्रेशन किया है, जो भी कंप्यूटर में दुकान किया होगा और डायरेक्ट में क्या होगा, अगर उनके पास नहीं किया है कि सोसाइट में क्या होगा, 2020 में बता रहा हूँ दोबारा, 2020 में जो फसल में किया जो लोग किया था, अगर नहीं पैसा मिला है अभी तक तो मुझे प्लीज़ उनको मुझे कमेंट करो और मुझे कॉल करो। और मैं 2021 खोलता हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ, और मैं सबमिट करता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है अनपेड, अनपेड जीरो है, आप देख चुका हो। और ये है, एक मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, ये है पेड एप्लीकेशन। देखिए पेड में इतना सारा मेरा हो चुका है, ये पेड में बहुत सारा कॉलेज मैंने किया है। और एक चीज़ है बताता हूँ, एप्लीकेशन अप्रूव है, देखिए अप्रूव में बहुत सारा ऑलरेडी जा चुका है, अप्रूव में बहुत सारा मेरा ऑलरेडी जा चुका है। और इस दोनों है रिवर्ट एप्लीकेशन, देखिए इसमें अभी मेरा नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लियर ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ तो इसलिए नहीं शो कर रहा है। अभी अगर अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है, मेरा भी बहुत सारा मैंने रिवर्ट हो चुका था, मैंने अब ऑलरेडी उनको फिर डॉक्यूमेंट क्लियर करके फिर ऑलरेडी वो अप्रूव में चला आया है। और एक है रिजेक्टेड, रिजेक्ट में कोई भी एक भी सिंगल नहीं है, तो आप ज़रा चेकआउट कर लो आपकी अगर वो रिवर्ट में है आपका एप्लीकेशन, प्लीज़ चेकआउट कर लो। और कस्टमर से बात करने के लिए फ़ोन, उसका फ़ोन नंबर भी, HDFC फ़ोन नंबर भी है, और उसको कर लो। और एक डाउनलोड भी कर लो, कि आप भी है कि HDFC आप भी ना जो प्ले स्टोर में डाउनलोड भी कर लो, एक प्रधानमंत्री फसल में आप भी आता है, उनके सारा आपका जो स्टेटस आप जान पाओगे। और इसी तरह आपको इसे क्लियर करना है, अगर रिवर्ट में हो, मेरा ऑलरेडी क्लियर ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इसे नहीं शो कर रही है, पहले ऑलरेडी बहुत सारा मेरा 50-60 एप्लीकेशन था वो ऑलरेडी रिवर्ट हो गया था, और उसको फिर डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी भर के फिर अप्रूव में चला गया है, देख चुके हो देखो। हाँ तो ये मेरा छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है, और मैं नहीं चलता हूँ आपको सीधा। देखिए ये लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन आ रही IRCTC, देखिए है रिपब्लिक ऑफर, अगर नहीं अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो, अभी तक जो IRCTC रजिस्टर नहीं किया अभी तक जो चल रहा है, अभी जो 100 रुपीज़ में चल रहा है कर लो, बहुत सारा आप टिकट बुक कर पाओगे इस ऐप पर। और इस छोटी सी वीडियो पर और बहुत सारा मैंने लिंक मैंने ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लिंक पे वो खरीद सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा लिंक दे चुका हूँ, जो जो चीज़ आपको चाहिए, प्रिंटर, आप फिंगर प्रिंट और जितने सारे यूनिक जो प्रोडक्ट है मैं यूज करता हूँ, मैं लिंक पर दे चुका हूँ। और यूट्यूब जो बनाना चाहता है, न्यू यूट्यूबर वो भी उनका भी प्रोडक्ट है, जो भी चाहता है खरीद लो, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होती है और एक वीडियो के साथ, नमस्कार। ऐसी देसी ना बोलिया कर छोरी है, इस देसी की फैनिया दुनिया भोरी है।